तो गाइस, तो रात को हमने जो स्टे किया था यहाँ पे किया था, और रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी, हाँ, एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाया, और मास्क कंपलसरी है यहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देख, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब अभी स्नोफॉल अभी नहीं है, जब हम कल आए तो यहाँ से 2 दिन पहले जब हम आए तो 2 दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, और अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बाकी पता नहीं होता, पहाड़ों में मौसम एकदम से भी चेंज हो जाता है। तो अभी जा रहे हैं हम मार्केट। आ जा रवि, तो जब लग गया तो निकल भी जाएगी। हाथ फेर के देख, देखो ये अपनी ब्लैक ब्यूटी का कलर ही चेंज हो गया, और ये देखो आइस जमी हुई है इसके ऊपर, ठंड तो है। तो इधर इधर से है क्या, उधर से है? दो फेरे बाबू। देखो पहाड़ी लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, इनका स्टैमिना भी मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होता होगा, क्योंकि जब इतनी ये मेहनत करते हैं। हमारा अगर हम पहाड़ पे, मतलब ऊपर से जैसे नीचे था हमारा जो स्टे था वो नीचे था, तो नीचे से जैसे ही ऊपर आए तो हमारी सांस फूलने लगी। बट ये लोग इतने मेहनती होते हैं कि पता नहीं दिन में कितने चक्कर काटते होंगे। देखो ये दोनों मियाँ अभी भी बैठे हुए हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं पूरे। देखो ये भी इंसान को सिखाते हैं कि हंसी खुशी रहना चाहिए। तो आज बहुत तेज धूप निकल रही है, और ये धूप ऐसे लग रही है कि बस इस धूप में ही खड़े रहे। धूप ने मेरे चेहरे की चमक को और बढ़ा दिया है ना। तो अब ये मेरे सामने है, चढ़ाई है और पैर भी सिर स्लिप मार रहे हैं इस पे ना। ओ भाई सुन, तो बात करने इस चढ़ाई पे गाड़ी चलाना तो मुझे लग रहा कि पॉसिबल है, हमारे जैसी तो ना चढ़ेंगे। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you. हमारे नीचे से ये चढ़ाई थी नीचे, और हमारी खुश लगी ये सांस। तो शायद अभी मार्केट ओपन ही हो रही है, क्योंकि बहुत कम शॉप्स ऐसी है जो अभी ओपन हुई है, और टाइम हो रहा है 10:30 के करीब। और गाइस मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई, बस थोड़ी सी चढ़ाई करने से आती, तो इसलिए मुझे लग रहा है हमें फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। और ये देखो व्यू, और ये देखो आइस, और जहाँ आपको मतलब ऐसे सिंपल ये दिख रहा है वो पहाड़ का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे बर्फबारी नहीं हुई है। और अभी हम हैं टॉप पर, तो अभी हमें एक कार्ड पड़ा हुआ मिला, मतलब रवि को, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये किसी पुलिस वाले को ही दे देते हैं। आ जा, वहाँ पे है वो,
वहाँ पे खड़ा हुआ था एक पुलिस वाला। अरे तो अब दे देंगे यार, तू ऐसे क्यों करेगा रहा अभी? अरे तो ये पास में है ना, यहाँ पे जो लग रहे हाँ ये बोलना कि वहाँ खड़ा हुआ है। हाँ तो ऐसे ही तो बोल रहा था, बूथ पे मिलेगा। ओहो तो बूथ ही तो है वो। यहाँ पे खड़े हुए थे वो तो। हाँ ऐसे ऐसे गेट बजा दिए पहले। नहीं कार्ड दे गया किसी को, यहाँ पड़ा हुआ वो, ये किसी के गलत हाथों में जाए। ठीक है ठीक। हाँ ये यहाँ पे एक खंबा है ना, जो ये खंबा है ना जो ये वाला, तो वहाँ पे पड़ा हुआ है। थैंक यू। तो कार्ड हमने दे दिया है, क्योंकि पता नहीं होता ना कार्ड की हुई अब, क्योंकि आजकल तो वाईफाई अकड़म सकड़म बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जिससे कार्ड स्वैप कर लेते हैं लोग, और हम नहीं चाहते थे कि किसी का कार्ड किसी गलत हाथों में जाए, क्योंकि हर किसी की मेहनत की कमाई होती है। अगर वो किसी की मतलब वो किसी से छीने ना। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं माल रोड, और ये माल रोड का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से है। अरे काका जी हमारी के चलते अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है, इसलिए सारे नियमों का पालन करना है, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरत है। सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें मधुमेह, क्रोनिक लीवर या गुर्दे की बीमारी, कैंसर अथवा लहरा के बखा के तू दुनिया भुला के नाच, तुम कोई गुनगुना ले गाले तू गा के नाच, रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच, पग भर नैनों से तू नैना मिला के नाच। फिर से उड़ चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ। सर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक स्किन लॉक कर लेकर है, जैसे तो कुछ चीज बनाना हो या मम्मी ऐसे लॉक कर ले, लॉक हो जावे। अच्छा तो बात है, क्या जो फोकस है ना हां वो अच्छा बना रहा है। तो गाइस अभी मैं निकल लिया हूँ होटल से, 12 बजने वाले हैं, तो अभी शायद हो सकता है कि कोफरी वगैरह जाए हम, और ये भी हो सकता है कि शायद दिल्ली भी चला जाए, मतलब वापस भी चले जाए फिर। चलो ये अपन का बैग, ये अपन और ये अपन की गाड़ी ऊपर। चलो भाई चलो भाई। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं कुफरी के लिए। वो ये कहता है अगर गाइड ले जाओ तो 200-300 रुपए लगता है, उसको गाइडेंस करा दे पूरा सब कुछ दिखा दे। थर गल सही है मैंने, आप तो बोली ना कुछ बता रही, मैं
मैंने आपसे बोला कल की कसर आज निकाल लो आप है। हाँ, आज सब भाई हाँ। मैंने कहा धक्का मार दिया, मैंने कहा गुस्सा कर दिया यार। मैं आप तो बोले ना, मैं तो मनोज से कही साले आओ ना। ओ भाई गुजर है यार, गुजर लिखवानी है तो कुछ बोल लो यार कैमरा में। हेलो गाइस, सब जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं। ये चाचा बहुत दुखी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चाचा को वो कौन सी थी, आज चाचा चुप बैठे हैं, आज चाचा चुप बैठे हैं। अरे यहाँ तो रात भी पड़ो यार, बर्फ। हाँ मैं कह रही बर्फ पड़ी है थोड़ी बहुत। हाँ ये नई सी लग रही है, ऊपर है ना। हाँ थोड़ी बहुत पड़ी, थोड़ी है, पड़ी है, थोड़ी बहुत पड़ी ना मात्र। किधर चलना है? सीधा यही रोड पे जा रही है, बस जा रही है। मनज लगा दी तुमने, क्या जबरदस्त होटल है यार। ये चाचा कुफरी में बर्फ में धक्का दूंगी और इन्हें बर्फ में दबाऊंगी। ये बहुत बोलते हैं, इनका दिमाग गर्म है, गर्मी निकालनी पड़ेगी। चाचा के दिमाग में गर्मी घुस गई है। हाँ। तो गर्मी को कम करने के लिए ध्यान लेकर इसे अच्छा तो वीडियो बन ना फटे यार। गाइस हम कल भी गए थे कुफरी पर हमारा दिल नहीं भरा, हमने कहा यार इतनी दूर से आए हैं तो दोबारा जरूर जाना चाहिए, तो इसलिए हम दोबारा कुफरी की तरफ, और हो सकता है उससे 10-5 किलोमीटर आगे पीछे, मतलब आगे भी जा सकते हैं, पीछे तो क्या जाएंगे। और आज कोशिश करेंगे कि कुफरी में ही स्टे करें, क्योंकि जो एक नेचर के जो मतलब व्यू, जो मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेचर को पास से देखने का जो सुकून होता है ना, वो अलग ही होता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज एक ऐसी जगह स्टे करें जहाँ से हमें पूरा मतलब एक शानदार व्यू दिखे। कल रात को तो हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो इसलिए हमें जैसा भी होटल मिला हमने मतलब स्टे कर लिया, और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि भाई ज्यादा मतलब हम इधर उधर ढूंढे या जैसे भी है। एक दूसरा ये कि यहाँ पे मतलब जैसे बर्फबारी हो रही है, और तो इसलिए अभी होटल वगैरह थोड़े कॉस्टली भी थे। अब हमें तो भाई बजट भी देखना है, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, तो सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है। तो आज भी कोशिश करेंगे कि कोई मतलब अच्छा सा होटल मिल जाए हमें सस्ते कम बजट में, और आप लोगों को भी जरूर बताएंगे कि अगर कोई मतलब ऐसा होटल मिलता है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी चलो नेचर का आनंद लो, एक मतलब आप देखो सामने देखोगे तो एक अलग ही व्यू दिख रहा होगा। मतलब हाँ रवि बोलो, ये हिमाचल का स्वर्ग है भाई। हाँ यार मतलब एकदम स्नोफॉल होने के बाद एकदम व्हाइट व्हाइट व्हाइट, देखो ये कुदरत का करिश्मा, एक अलग ही नजारा, मतलब एक अलग ही सुकून जो मिलता है यहाँ पे आने के बाद में, क्या बताए, मतलब वो शब्दों से बयान नहीं हो सकता जो चीजें मतलब देख के एक फील कर सकते हैं।